नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। गाइस, पाई नेटवर्क ना बहुत अजीब खेल खेल रहा है हमारे साथ, जो समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और जो और अजीब चीज़ ये है, जो यूट्यूबर्स हैं वो अलग ही न्यूज़ ला रहे हैं, कोई रियल ला रहा है, कोई फेक ला रहा है, पता नहीं चल रहा। कोई कह रहा है कि पाई नेटवर्क $1,000 का है, कोई कह रहा है $500 का है, कोई कह रहा है $2,000। तो समझ नहीं आ रहा, तो चलो उसके तरफ ही चलते हैं जिसका पाई नेटवर्क है। पाई नेटवर्क ने ना गाइज ST.com में अपना मेन नाम लॉन्च करा है, ठीक है गाइज। अब क्या है मैं आपको सीन बताता हूँ। पहले ST.com का फर्स्ट वैल्यू आई थी, देखो गाइज इसमें ग्राफ आ रखा है इसका, $100 का इसमें आ रखा था, ठीक है। फिर इसकी डाउन हुई, फिर ये हुई $80, फिर डाउन हो रहा है, ये 50 हो रहा है, ये धीरे धीरे करके डाउन होगा। और अब कितना आ रखा है इसका, इसको देखो गाइज 4.9 समथिंग कुछ आ रहा है डॉलर। तो अभी क्यों हो रहा है, ये बहुत कंफ्यूजन हो रही है। इसकी वैल्यू इतनी अच्छी थी, अब $100 था, रियल इसका $100 है गाइस, ठीक है $100 था। अब इसकी 4.9 हो चुकी है, डाउन हो रही है। और मेन चीज़ डाउन क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि जो इसके मेंबर्स हैं ना पाई नेटवर्क के, वो ना हट रहे हैं धीरे धीरे करके। अब वो क्यों हट रहे हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पाई नेटवर्क 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है गाइस, पर इन्होंने कहा था हम 21 में लॉन्च कर देंगे। फिर 21 से हट के इन्होंने 22 कर दिया, 22 भी चलेगा। फिर कहा था 23 में 100% कर देंगे, पर अभी तक से लॉन्च हुआ है इसमें पता लगा, इसी एक में आया ST.com में, ठीक है। बट इसके साथ बाइनेंस भी पैचअप करना चाहती है, बट ये पाई नेटवर्क नहीं चाह रहा, समझ नहीं आ रहा। बहुत लोग चाह रहे हैं, बहुत कंपनी इसके साथ मिलना चाह रही है, पर पाई नेटवर्क अभी किसी के साथ मिल नहीं रही, और नहीं मिल रही तो इसके जो यूज़र्स हैं वो भी शायद डिलीट कर रहे हैं ऐप और माइनिंग करना बंद कर रहे हैं, ठीक है गाइज। और जो कंपनी के मेंबर्स हैं, कुछ लोग जो कंपनी चलाते हैं, वो भी शायद हट रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता चल रहा कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो शायद ये वजह हो सकती है पाई नेटवर्क की डाउन होने के वैल्यू, इसलिए ही देखो गाइज ग्राफ में आता है किस तरह डाउन हो रही है, बार बार डाउन कैसे जा रही है। पहले 5 था, अब इतना हो गया, फिर 100 से इतना डाउन हो रहा है। तो गाइस इसलिए ही ये चीज़ है। और गाइस सबसे बड़ी बात, अभी $1,000 तो नहीं है कि एकदम से किसी की क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ना ऐसी जाती। मानता हूँ बिटकॉइन है, वो क्यों था गाइस पहले ना, वो भी स्टार्टिंग में इतना ही हुआ था, $1-2 का हुआ था होगा, पर उसके बाद जब उसमें ट्रेड करने लग गए लोग, तब जाकर जब किसी ने इलॉन मस्क ने जब अपने पास खरीदे थे पाई नेटवर्क, तब उसकी वैल्यू बढ़ी थी, ठीक है। अगर कोई अच्छा जो बिजनेसमैन पाई नेटवर्क में इंटरेस्ट लेता है, खरीद लेता है, तो गाइस तब जाकर पाई नेटवर्क की कीमत $2,000-3,000 जा सकती है, तब मैं भी कह सकता हूँ। पर अभी इसकी वैल्यू आ रही है ST.com में 4.9 समथिंग आ रही है गाइस, आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस यह है रियल इसकी वैल्यू अभी जो चल रही है, आगे कुछ भी हो सकता है, कितनी भी जा सकते हैं, मेरी तरफ से नहीं है, बट ये है रियल वैल्यू। और जो दूसरे लोग हैं वो बिल्कुल अजीब ही बोल रहे हैं, कुछ भी अपने बना रहे हैं, कोई भी वैल्यू नहीं है, ये है असली वैल्यू इसकी। तो गाइस किसी भी फालतू चीज़ में मत आइए, ये इसकी रियल वैल्यू है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई और रियल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है, नए नए चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी।